कल से रो रही है, इतने तो मोटे मोटे इसने आंसू कर रखे है, हमें छूने नहीं दे रही है। अपने शौक रखते हो तो उसको पूरा करो, नहीं तो आप इनको ना ही पालो। और आप इतनी खतरनाक नस्ल पाल रहे हो और उसको आज आप उसको सड़क में छोड़ के जा रहे हो। अगर ये किसी और को नुकसान देती या किसी को काट देती पब्लिक को, क्योंकि ये बिना संकल के ऐसे ही घूम रही थी भैया, सबको खा रही थी और सबको पढ़ रही थी, और कल को ये किसी को काटती है, कोई इसको मार देता पागल डोगी समझ के, तो क्या होता सब ये क्या करते? आज इन्हें इनको याद आ गई है, अगर ये किसी और के हाथ में होती तो ये आज आ जाते यहाँ पर? आज इनको अपनापन याद आ रहा है। हम भी 25 साल से काम कर रहे हैं, कोई फंडिंग डोनेशन नहीं है, लेकिन आप मेरे को कल आप भैया मानोगे आंसू देख के ना उस बीच के, मैं अभी तक ना खाना नहीं खा पा रही। हम बाला से हम सीधे ही यहाँ पे आ रहे हैं, रेस्क्यू किया, हमें फोन किया, हम वहाँ गए हैं, ये बच्चा बेचारा वहाँ खंबे के साथ बंद के बैठा हुआ है। हमें पता है 5 घंटे में हमने कैसे बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा वो कि मेरा मालिक कहाँ है, मालिक क्या, हमने कैसे इसको रेस्क्यू किया, कैसे गाड़ी में बिठाया ज्योति नगर तक कैसे लेके आए मुझे पता है। और हमने खाना वाना भी नहीं खाया कल से, मेरे को आंसू तक उसके याद आ रहे हैं। नमस्कार, ये जो फोन स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पिटबुल प्रजाति का एक डॉग है, और किस प्रकार से इसका जो मालिक है वो अपने ही डॉग को बाहर छोड़ आता है। जब बाहर छोड़ आता है तो डॉग जो है खुले में घूमता है, इतने में एनजीओ के कुछ लोग आते हैं और इस डॉग को रेस्क्यू कर अपने साथ ले जाते हैं। अब जो इसके असल मालिक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इन एनजीओ के जो सदस्य हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा डॉग हमें वापस कर दीजिए। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी इनसे बात करना चाहेंगे। कल से रो रही है, इतने तो मोटे मोटे इसने आंसू कर रखे हैं, हमें छूने नहीं दे रही है। और कुछ भी कमांड हो गया आपका, कहना भाई बैठने को सिट करती है? बोलो को सिट, बैठ जा मैक्सी, हेलो करती है, हेलो क्या क्या पूरा मामला कह रही है, क्या क्या पूरा मामला मैडम, क्या क्या पूरा मामला है? मामला ये है, हम लोग एनजीओ से हैं, फास्ट फूड वर्सेस से। कल हमें सुबह मॉर्निंग में कॉल आया था, और ये जो डॉग था ये इन्होंने क्या कहते हैं 16 सेक्टर में जो पोल बने हुए हैं बाहर की तरफ बिजली वाले खंभे, वहाँ पर ये डॉग कोई बांध के चला गया था इसको चेन से, मोटी चेन से। और उसके बाद हमें मतलब मुझे 10:30-11 बजे के करीब कॉल आया, तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर थोड़ी देर तक, तो मैंने देखा कि ये पिटबुल था, और जिन्होंने इसके बारे में न्यूज़ दी थी उन्होंने बताया कि मैम पिटबुल डॉग है तो कोई बांध के चला गया। उसके बाद जब हम पहुंचे तो इसने मुझे नहीं पता लेकिन इसका चेन टूटा पड़ा था, ये काफ़ी मोटे चेन से बंधी हुई थी, वो कह रहे थे सुबह मॉर्निंग में उन्होंने दूध और पानी लिया था इसको, और उसके बाद ये मतलब इसने चेन अपना तोड़ लिया होगा हमें नहीं पता, और ये मूव करने लगी थी सारी जगह। फिर हमने देखा ये नीचे झाड़ियों में जाके छुप रहा, मतलब डर रही थी ये काफ़ी। फिर और देखा इसको प्यास बहुत लगी हुई थी, पानी की इसको मतलब बहुत हो रही थी, गर्मी बड़ी थी, एक तो धूप इतनी हो चुकी थी, ये कम से कम टाइम हो गया था 12:30-12 बजे का। उसके बाद ये डॉग बाहर आता था पानी पी के, हमने बाउल रखा पानी का, दूध का और पेडिग्री वगैरह डाली, तो ये बाहर आता था खाना खाता था, खाना खाने के बाद ये अपना फिर जाके झाड़ियों में छुप जाती थी, क्योंकि मतलब ये बहुत डर रही थी उस वक्त। उसके बाद हमने फिर अपनी टीम को बुलाया, क्योंकि नवजीत हमारे साथ है, हिना है, हिना जो है वो काफ़ी अच्छी, उसने धीरे धीरे इसको अपने साथ बड़ा कोऑर्डिनेट मतलब फेमिलर किया, अपने पास लेकर आई इसको, धीरे धीरे इसके साथ गई, उसने अप्रोच किया इसको, और ये हिना ने इसको थोड़ा सा टैकल कर लिया। उसके बाद फिर हमने इसको बड़ी कोशिश करके 2-3 घंटे बाद इसको हमने किसी तरह, हिना ने इसको गाड़ी में बिठाया और हिना के साथ ही ये यहाँ तक आई, और उसके बाद हिना ही फिर इसको अंदर लेकर आई है। और सबसे बड़ी बात ये अब क्या है, इसको जब से इसे रखा हुआ है तो ये मतलब, क्योंकि जो पिट बुल होता है ना वो अपने ओनर का ही कहना मानता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, तो ये अब क्योंकि डॉग बहुत लॉयल होते हैं तो ये अपने ऑनर का ही कोई रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अब जो मॉर्निंग में आज हमें तो, लेकिन ये हिना इसको खाना दे रही थी, इसने खाना खाया प्रॉपर सब कुछ किया, लेकिन ये किसी को पास नहीं आने दे रही अपने, क्योंकि डर भी रही है कुछ, इसको ये भी है कि ऑनर तो है नहीं इसके पास। तो आज मॉर्निंग में मुझे, मैं खैर पानीपत थी उस वक्त, मुझे कॉल आया कि इनका ना ऑनर मिल गए हैं, वो जहाँ 16 सेक्टर में जिन्होंने हमें कॉल किया था उनके पास इन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी फीमेल गुम हुई है, गुम नहीं हुई कि हम इसको छोड़ के चले गए थे यहाँ पर। तो मैंने इनको बात करी, मैंने कहा आप इनको कहते हैं जी वो तो हम लोग सारे
सारे बाहर गए हुए थे, पीछे से वो बेटा इसे अपसेट हो गया, या बेटा पता नहीं पोता बता रहे थे अपना, वो इसे अपसेट हो गया, वो इसको उठाकर सड़क पर बांध के चला गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप उसको सड़क पर बांध के जा रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए अगर वो खुल जाती, खुलने के बाद वो किसी को पहली बार कार्ड देती है, कार्ड जाती, अच्छा ये भी हो सकता था, वो उसको ब्रीडर भी आकर कोई भी उठाकर लेके जा सकता था, या वो खुल गई थी तो किसी गाड़ी से भी जाके टकरा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो डरी हुई तो पहले ही मौत थी। और इतना मतलब सब कुछ होने के बाद वो मतलब हम उस वही सोच रहे थे कि इतने घंटे और इतनी भूखी प्यासी वो वहाँ बंधी हुई, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। आप पहले उसको पाल लेते हो, पालने के बाद आप उसको इस तरह से बिल्कुल पब्लिक में सड़क पर बांध के चले गए। तो मैंने इनसे पूछा भी आप ऐसे कैसे छोड़ के चला गया आपका पोता या जो भी आपका बेटा भी, कहते उसको गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो मतलब आपका बेटा अगर किसी को चाकू भी मार देगा, अगर उसको कुछ हुआ वो कुछ भी कर देगा, इसको छत से भी घेर देगा। गुस्सा आने का मतलब यही तो नहीं है ना कि आप डॉग के साथ इस तरह से, डॉग के आप तो किसी के साथ भी कैसे भी ट्रीटमेंट कर दोगे। तो अब रेस्क्यू कर लिया है, रेस्क्यू किया उसके बाद मालिक आ गए हैं, अब मालिक ने हमें अप्रोच किया, तो मैंने मालिक को बोला, मैंने कहा आपका डॉग घुमा, आपने कंप्लेंट लिखवाई पुलिस में, नहीं क्योंकि कंप्लेंट तो वो क्या लिखवाते हैं, क्योंकि खुद ही छोड़ के गए थे। तो फिर उसके बाद हमें इन्होंने बोला कि भाई हमें वो डॉग चाहिए, इनका सुबह से मैं बहुत बार कॉल आ चुका था, मैंने कहा मैं जैसे ही पहुंचूंगी करनाल मैं आपसे मीटिंग करती हूँ, और उसके बाद हम इसको आपको डॉग को हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि ये अपने मालिक के पास ही रह के खुश होता है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये इनका हमने आईडी प्रूफ अपना सब कुछ मंगवाया है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये हमें पहले रिटर्न में लिख के दें, हमें क्योंकि ये हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि इन फ्यूचर इस बच्चे के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ औरों के साथ भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिल्कुल आप ही जी आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से अब जी, तो अब आप देख सकते हैं कि किस ये छोड़ के गए भैया जी, हाँ जी इनसे पूछो भैया ये छोड़ के गए थे, ये इन्होंने इस इतनी बुरी हालत में उसको छोड़ा था भैया, वो इतनी गर्मी में पागल हो रही थी, 6 बजे से ये छोड़ के गए थे, 3 बज गए हमें, इतनी मुश्किल से मैंने उसको अपने आप प्यार किया, वो इतनी मुश्किल से मेरे काबू आई है, मेरे काबू आने के बाद वो हमें भी उस रूम में नहीं जाने दे रही, वो इतनी खतरनाक है, पिटबुल छोड़ना कोई वो थोड़ा ना है, ये सड़क में 16 सेक्टर में छोड़ गया, अगर वो किसी और को नुकसान दे देती, लोग पब्लिक उसे मार देती, फिर उसका कौन जिम्मेदार था। एक दिन बाद इन्होंने छोड़ के और दूसरे दिन को याद आ रही अपने जानवर, गलती मानते हैं ये अपनी गलती सर मान रहे हैं ये, पर हम ऐसे नहीं देंगे, पूरी इनसे करके देंगे कि कल को ये ऐसा ना करे, ये इनका बेटा है जो ये छोड़ के गया, आप इनसे बात करो। क्या बेटा पूरा क्या मामला क्या था, क्यों छोड़ा आपने पिटबुल को? तो सेंटर से लैटरिंग कर रही थी। अच्छा, तो फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर मैं इसको छोड़ा। तो बेटा गुस्से में आप अपने ही एक जीव होता है, ये एक घर का मेंबर होता है, पिटबुल है, ये सिर्फ और सिर्फ मालिक का कहना मानता है, अगर किसी का नुकसान कर देता, किसी को काट देता, उसका जिम्मेवार कौन होता बेटा? बच्चे ये अगर एक बार बताओ सड़क पे इसको कोई चीज हिट कर जाती, अब ये डरा हुआ था इतना और ये सड़क पे कहीं भी चला जाता, मेरे को बताओ कोई भी चीज हिट कर देती। अच्छा चलो ये तो देखो एनजीओ वालों को न्यूज आ गई, उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, अगर इसको कोई और ले जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? आप ढूंढ लेते फिर इसको, कोई ब्रीडर ले जाता, कोई भी ले जाता, फिर ये तो आपको खुद सोचना चाहिए ना। को तो भैया मतलब आपके जो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग है वो भी कल को बीमार हो गए भैया, वो भी ऐसे ही पोटी करेंगे, या कल को मैं बीमार हूँ, क्या ये कल को उनको भी बाहर निकाल देंगे? या तो आप अपना शौक ना पालो, अगर शौक रखते हो तो पूरा करो, या तो उस किसी जीव को ना रखो। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ये इनकी गलती है, इनको बोलो अपनी गलती माने बस जी। हम तो गलती मान रहे जी, हमारे बच्चे ने गलती कर दी, मेरी सिस्टर मरी हुई थी पॉन्ड में, हम सारा। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से, आप देखिए आप खुद सोचिए, आपने बोला कि हमारी सिस्टर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आपका बच्चा उसको छत पे बांध देता, आपका बच्चा उसको कहीं भी बांध देता, ये बात आप खुद सोचो ना कितनी बड़ी बात है, उसको उठाकर आपका बच्चा, आपने तो फिर उसको छोड़ ही दिया ना एक तरह से। नहीं मैडम जी, हमने हम तो जी मेरी सिस्टर कौंड मरी हुई थी, अच्छा हम तो सारा परिवार वहाँ पे गया था संस्कार पे, ये लड़का था पीछे, तो ये सेंटर पे तो आया, इसने अपना लैटरिन रखी थी गेट में, ये गाड़ी में चढ़ा के वहाँ चले, बस ये गलती है, मानते हैं बच्चे ने गलती की है, बच्चे ने, क्योंकि ना जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं किसी को भी बड़ा नुकसान हो सकता था, किसी को भी काट सकता था, ये जो जीव है किसी को भी काट, गलती मानते हैं। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो एनजीओ चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस पिटबुल को, आप ये देख सकते हैं ये पिटबुल है, इसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद जो है यहाँ पर घर पर रखा। कितने दिन हो चुके हैं इसको रेस्क्यू? कल का है, 3 बजे से ये हमारे पास है अब तक। अब ये आया तो ये कह रहे हैं हमें हमारा डॉगी वापस करो, मैं दूंगी पर ऐसे नहीं, पूरा अपना क्लियर करके दूंगी, ये कल को ऐसा ना करिए भैया, कल को ये एक चीज वेखन वाली है, इस समय बेचारी का चेहरा वेखने। और भैया ये आपको पता है ये कल की इतना रो रही थी ना, इसने इतनी बड़ी बड़ी आई थी जितना मैं कह नहीं सकती, इतना रो रही थी, और आज इनको देख के इतना खुश हो रही, इन्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, और इसने अंदर ही पोटी करी, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम यहाँ से आके पैर।
अंदर ही पोटी की वजह से आके। तो क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि इस प्रकार से और भी अगर आप अब आगे से तो नहीं ऐसा होगा, आगे से नहीं होगा। क्या नाम है बेटा आपका, कहाँ रहते हो? शुगर मिल के पास रहते हो। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि इस पिटबुल के मालिक हैं और किस प्रकार से अब इसको ले जाने की यहाँ पर जो है बात जरूर की जा रही है। तो अब आप दे रहे हो जी असल मालिक को? हाँ जी भैया देंगे, पर पूरी अपनी कार्रवाई करके देंगे। जी जी देंगे जरूर, पर पूरी कार्रवाई के आगे से इनका कुछ ना, इनके डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, उसके बाद इनको हैंड ओवर करेंगे सर, बाकी बात करेंगे। जी बताइए सर। जी तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से जो असल मालिक हैं वो फिलहाल इस पिटबुल को ले जाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। निवेदन करना चाहेंगे, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी डॉग्स आप घर पर पालते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उसे इस प्रकार से गली में खुला मत छोड़िएगा। जैसे कि इस डॉग के मालिक हैं, इन्होंने बोला, साफ साफ जाहिर किया कि इनसे गलती जरूर हुई है, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप अपने डॉग को खुला छोड़ देते हैं या फिर किसी पेड़ से या किसी खंभे के साथ बांध देते हैं, ये डॉग खुल जाता तो किसी को भी काट सकता था। जी हाँ, किसी को भी काट सकता था। तो निवेदन सभी से यही है, जो भी डॉग्स के मालिक हैं वो कृपया करके अपने डॉग्स की कहीं ना कहीं एक देखभाल जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर करें, और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं जो एनजीओस चलाते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचे और किस प्रकार से डॉग को पहले रेस्क्यू किया जाता है, रेस्क्यू करने के बाद अब जो डॉग है वो असल मालिक को यहाँ पर सौंपने की बात की जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे।